हेलो स्टूडेंट्स वी वर डूइंग केयर फॉर द एनवायरनमेंट कि हमें अपने पर्यावरण की किस तरीके से रक्षा करनी चाहिए स्टूडेंट्स हमने बहुत सी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर अभी पढ़ी वेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से मैनेज करना है कैसे वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफ़रेंट डिफरेंट तरीके से उनको ट्रीट करना है फिर हमने पढ़ा कि वेस्ट डिस्पोजल कितने कितने तरीके के होते हैं बच्चे आप जब दिल्ली की तरफ जाते होगे तो आपको एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं डंपिंग जोन दिखता होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट पड़ा हुआ है ओपन ओपनली स्टूडेंट्स दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ ओपन डंपिंग तो इस तरीके से हमने ओपन डंपिंग के बारे में पढ़ा फिर हमने पढ़ा बर्निंग फिर हमने पढ़ा लैंडफिल्स फिर हमने पढ़ा कंपोजिट पिट कंपोस्ट पिट में हमने कैसे डिकम्पोज वेस्ट को कैसे कंपोस्ट में कन्वर्ट करना है वो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा इस चैप्टर के अंदर बच्चे हमने बेसिकली एनवायरनमेंट के अंदर जो हम वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं दिन रोज़ के रोज के हर आर्स में भी हर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में हम लोग इतना वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं कहा जाता है अबाउट जीरो पॉइंट वन मिलियन टन्स ऑफ मुंसिपल सॉलिड वेस्ट इज़ जनरेटेड इन इंडिया एवरी डे जीरो पॉइंट वन मिलियन टन्स स्टूडेंट्स दैट इज एक्सप्रो अप्रॉक्सीमेटली थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन टन्स एनुअली इतने अमाउंट पे जब हम लोग वेस्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसको ढंग से मैनेज करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तभी स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिड्यूस री यूज एंड रीसाइकल द मोस्ट थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज इन विच यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द वेस्ट मैनेजमेंट इज़ टू रिड्यूस द वेस्ट इज़ टू री यूज़ द वेस्ट एंड इज़ टू रीसाइकल द वेस्ट हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे सबसे पहला आता है स्टूडेंट रिड्यूस रिडक्शन इज कंजरवेशन सो यूज ऑल नेचुरल वाइजली अगर हम रिसोर्स को कम यूज करेंगे वाइजली यूज़ करेंगे उस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं अपने रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं रिड्यूस कर सक जब हम रिड्यूस करेंगे उनका यूसेज फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेव वाटर देर आर मैनी वेज थ्रू विच यू कैन रिड्यूस द यूसेज ऑफ वाटर और यू कैन सेव वाटर बाई नॉट लेटिंग इट रन वाइल ब्रशिंग योर टीथ जब आप ब्रश कर रहे हो तो टैप को ऑफ रखिए

इन दिस वे वी कैन सेव द एनर्जी स्टूडेंट्स आप सभी के घर पर आर ओ लगा हुआ है अगर आप उस आर ओ के वेस्ट वाटर को जो वेस्ट वाटर उसकी टैप से निकल रहा होता है दैट वेस्ट वाटर फ्राम आर ओ कैन बी यूज इन वाशिंग वाशिंग द यूटेंसल्स दैट वेस्ट वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू वाट द प्लांट्स सो इस तरीके से हमें पानी का किसी भी तरीके से वेस्टेज नहीं करना चाहिए लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल वी शुड सेटअप एन अलार्म इन आर वाटर टैंक्स सो दैट जैसे ही वो भरने लगे अलार्म बज जाए और हम फटाफट से बंद कर दें मोटर को इन दिस वे स्टूडेंट्स वी कैन यूज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर एंड वी कैन सेव इट फॉर आर फ्यूचर जनरेशंस यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन कम्पोस्ट बिन

That can be used as a fertilizer for the plants. In this way, students, you can do one activity also in this how to make fertilizers at your home by using kitchen waste. Now, students, second, the most important ways in which you can contribute towards the waste management is reuse. Dubara use karna. Jitna ho sake, all those things which can be reused in any way should be used. हमारी मेन पर्पस यही रहना चाहिए कि बार 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 हम उस चीज़ को यूज़ करें और उसको एक बार यूज करके ना फेंकें एट होम वी कैन फाइंड मैनी थिंग्स दैट कैन बी रीयूज स्टूडेंट्स वी कैन डोनेट आर ओल्ड क्लोथ्स फॉर री यूज टू द वंस दोज हु आर नीडी इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम अवे वी कैन यूज दैम अगेन शॉपिंग बैग्स कैन बी यूज अगेन फॉर द पर्पज़ clothes as i told you if, if they are not fit you any longer they can be donated what you can do you can pack them you can iron them first and then pack them and then you can gift it to the needy ones students old notebooks can be reused old books can be reused in this way we can save आर रिसोर्सेज एंड वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू वर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट एलुमिनियम कैंस कैन बी रीयूज टू स्टोर थिंग्स पुराने पड़े हुए जो टायर होते हैं उसके अंदर हम प्लांट्स को उगा सकते हैं स्टूडेंट्स उसके अंदर एक बेस लगा कर उसमें मिट्टी भरकर टायर के अंदर उसके ऊपर प्लांट्स लगा सकते हैं धनिया पुदीना जैसे करियंडर वी कैन वी कैन ग्रो मेनटेन कुरियंडर इन दैट तो आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हो जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उनको हम कार्ट के बीच में से उसके अंदर पेन स्टैंड बना लेते हैं तो मार्केट से बार बार एक ही चीज़ ख़रीदने से अच्छा वी कैन यूज़ द बेसिक थिंग्स विच वी गेट इन आर होम ओनली एंड वी कैन री यूज़ दैम एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मोर वेज

And remanufactured to make new products, It is a recycling is a process in which the product is remanufactured to make new products. For example, old newspapers we can make bags, paper bags from old newspapers, and magazine are used to make paper. junk dealers jis hum kya बाई ओल्ड न्यूज़ पेपर्स मैगजीन एंड बुक्स फ्रामर्स और वह क्या करते हैं उन्हें फैक्ट्रीज़ को बेच देते हैं जो फैक्ट्रीज क्या करती हैं उन्हीं पेपर्स को फिर से रिसाइकल करती हैं और वो पेज कहाँ यूज़ होता है वो पेपर कहाँ यूज़ होता है न्यूज़ पेपर बनाने में नाउ स्टूडेंट सेकेंड एग्जाम्पल इज़ ग्लास बॉटल्स प्लास्टिक वेयर एंड कार्डबोर्ड बॉक्सिस कैन ऑल्सो भी रिसाइकल्ड इन सिमिलर मैनर प्लास्टिक वेयर्स में आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जैसे मैंने आपको बताया आप गमला भी बना सकते हो बॉटल से पेन होल्डर भी बना सकते हो ठीक है ग्लास बॉटल्स के अंदर आप लाइट्स को लगाकर उसको एक लैम्प बना सकते हो अपने रूम में रखने के लिए सो so, आप चीज़ों को री करके डेकोर आइटम्स भी बना सकते हो यू कैन इवन रिसाइकल द वाटर यूज इन द किचन टू वाटर द और टू वॉश योर साइकिल जो आपके पान जो आपका पानी है जो जितना भी वेस्ट हो रहा है उसको आप दोबारा से यूज करके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में उसको क्या कर सकते हो दोबारा से री यूज जंग डीलर्स और कबाड़ी वालास दे हेल्प इन रीसाइकल ऑफ़ वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट मटीरियल्स दे टोटली हेल्प अस इन मैनेजिंग आर वेस्ट सो दे आर इम्पॉर्टेंट नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्विंग द एन्वायरमेंट हम अपने एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं सबसे पहला एंड फॉर मोस्ट वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज वी शुड वॉक और यूज साइकल्स इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स जैसे कि अभी हमने लॉकडाउन के अंदर देखा था जब दो महीने के लिए सभी लोग टोटली घर के अंदर अपने अपने अपने, अपने घर के अंदर रहने पर मजबूर हो गए थे then what we saw the nature was prospering clear environment clear air there was no traffic there was no pollution there was no air pollution there was no sound pollution so these automobiles create so much of the pollution जैसे कि हम बहुत सारी ads में भी देखते हैं ad में क्या दिखाया जाता है advertisement में ये दिखाया जाता है कि जब red light on हो जाए तो गाड़ी off हो जानी चाहिए इससे क्या होगा ज़्यादा कुछ नहीं होगा बट इन्वायरमेंट का जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है सो वी शुड वॉक और यूज़ साइकिल्स फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेस यूज़ पेपर और क्लोथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वंस चंडीगढ़ ऐसा शहर है स्टूडेंट्स जहाँ पर पेपर बैग्स ही यूज़ होते हैं जहाँ वहाँ पे प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं यूज ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी दीज आर वेरी एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जीज़ क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स शुड भी कंट्रोल्ड हमें इकोनॉमिकली चीज़ों को यूज़ ज़्यादा करना चाहिए इससे हमारी लैंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम बहुत अमाउंट में पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया लेफ़्ट ओवर यूज़ड टी बैग्स कैन बी यूज़ एज फर्टिलाइजर्स फॉर योर प्लांट्स एंड वी शुड डिस्पोज ऑफ़ डिस्पोज ऑफ़ योर हाउस होल्ड वेस्ट इन अ केयरफुल मैनर जो भी हम ईटेबल्स हैं जो कि जानवर खा सकते हैं उन्हें हम प्लास्टिक बैग्स में पैक करके ना फेंकें उनको हम ओपनली फेंकें जैसे कि मटर के छिलके दीज ऑल ग्रीन लिफी वेस्ट आर फूड फॉर फ्यू एनिमल्स सो वी शुड टेक केयर ऑफ देम बिकॉज दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अस थैंक यू